2004 में पीसीएस की इंटरव्यू से बैक हुआ हूँ। अच्छा, इंटरव्यू एग्जाम में आप क्वालिफाई कर गए? 2004। वाह वाह, देखिए इतने टैलेंटेड, पीसीएस का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में ये छट गए, ऐसा इनका कहना है। बहुत ही निराश है, लेकिन इनकी किस्मत में जो भी लिखा हो, लेकिन ये अपनी मेहनत और मशक्कत से 2 रुपए कमाने के लिए पीएचडी चाय वाले के नाम से इन्होंने स्टॉल लगा दिया है, दुकान खोल दिया है और मिल गए पीएचडी चाय वाले। स्वागत है। नमस्कार। कब से चाय बनाने लगे हैं आप? हो रहा है नियर अबाउट एक महीना। एक महीना? आइए थोड़ा बाहर निकलिए, आइए बात होती है आपसे। देखिए दोस्तों, पीएचडी चाय वाला मसाला चाय, दूध चाय, कॉफी, केसर चाय और भी अन्य चाय ये बनाते हैं। अजय कुमार गुप्ता, पीएचडी चाय वाला। कहाँ से मन में आया कि चाय ही बनाना आपको है? शिक्षा के बाद अगर कहीं जॉब नहीं मिला तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो आपने क्या पीएचडी किया, उसके बाद अप्लाई किया वैकेंसी वैकेंसी जो निकली? नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी हमारे अंदर, नहीं हुआ जी। नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना जी। तो आपने क्यों चाय ही बेचना ठाना कि चाय ही हम बेचेंगे? इसलिए कि इसमें कम पूंजी लगेगी, जितनी जिसकी पूंजी रहेगी उसी हिसाब से व्यवसाय करेगा। अच्छा। तो दोस्तों आपने देखा होगा एमए चाय वाला, बीए चाय वाला, इंजीनियरिंग करके लोग चाय बेच रहे हैं। अब हम मिल गए उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रहने वाले अजय गुप्ता, जो पीएचडी करके चाय बनाते हैं और चाय इनकी बहुत ही फेमस है, दूर दराज से लोग आते हैं चाय पीने। और क्या रेट देते हैं चाय? महंगी नहीं ना है पीएचडी? नहीं नहीं नहीं, चाय हमारे यहाँ 5 रुपया से लेकर 20 रुपया तक है। तब तो सही रेट है भाई, आज के दौर में 5 रुपए की चाय बहुत कम ही मिल रही, 10 रुपए से नीचे नहीं है। नहीं, नहीं, लेकिन 5 से 20 रुपए के बीच आपकी चाय है, किसी प्रकार की चाय भी चाहिए या कहीं फंक्शन में है या कुछ भी आप बुकिंग करना चाहते हैं, तो इनकी चाय बहुत ही स्पेशल चाय होती है। और यहाँ पे दूर दराज से जो भी नेता होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं वो जरूर आके यहाँ चाय पी के जाते हैं आपके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं लोग, पीते हैं चाय। अच्छा, तो क्यों मन में आया मतलब चाय बेचना? कोई आपने सोचा नहीं कि इतनी बड़ी डिग्री लेके हम? भाई शिक्षा का ही मतलब थोड़ी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, तो या प्राइवेट सेक्टर की बात? प्राइवेट सेक्टर से अच्छा ये है कि दूसरे की प्लेट ना धोए, अपनी प्लेट हम धोए ना। अच्छा, इसलिए आपने चाय ही बनाना ठाना है। और भी क्या क्या मतलब देते हैं हमारे यहाँ? जैसे 4 प्रकार की चाय, मसाला चाय है, दूध वाली चाय है, उसके बाद कॉफ़ी है, एक केसरी चाय है। अच्छा। फिर स्प्राउट नाश्ता है, जो कच्चा चना होता है उसका नाश्ता बनाते हैं। अच्छा, तो नाश्ता भी देते हैं जो भी मतलब यहाँ के बिजनेसमैन या व्यापारी? हाँ, आते जाते हैं दोपहर में, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद ही जाते हैं जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप दर्शकों से? भाई दर्शक से हम कहना यही चाहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि लोग शिक्षित बन के गवर्नमेंट जॉब ही करें, क्योंकि वैकेंसी अगर 10,000 अगर किसी विभाग में निकलती है तो 10 लाख लड़के अप्लाई करते हैं, तो होंगे तो 10,000 ना, बाकी 9,90,000 तो नहीं होंगे ना, कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो। अच्छा। सफलता नहीं मिली तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। उस आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम दिया? 2004 में पीसीएस की इंटरव्यू से बैक हुआ हूँ। अच्छा, इंटरव्यू एग्जाम में आप क्वालिफाई कर गए? 2004। वाह वाह, देखिए इतने टैलेंटेड, पीसीएस का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में ये छट गए, ऐसा इनका कहना है। बहुत ही निराश है, लेकिन इनकी किस्मत में जो भी लिखा हो, लेकिन ये अपनी मेहनत और मशक्कत से 2 रुपए कमाने के लिए पीएचडी चाय वाले के नाम से इन्होंने स्टॉल लगा दिया है, दुकान खोल दिया है। और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये चिरैया कोट में मार्केट में है, ये क्या बोलेंगे, आजमगढ़ मेन रोड, आजमगढ़ मेन रोड, चिरैया कोट मार्केट से आजमगढ़ थोड़ा सा पहले आजमगढ़ मेन रोड है। अच्छा, तो आजमगढ़ मेन रोड पे इनकी दुकान है, अगर आप भी चाय पीना चाहते हैं तो आके जरूर यहाँ एक बार चाय की चुस्की जरूर लगाएं। तो दोस्तों हम थे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में चिरैया कोट मार्केट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।